डेविड गॉगिंस ने एक बार कहा था, जब तुम्हें लगे कि तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो तुम उस समय अपने पोटेंशियल के 40% पर ही होते हैं। सोचिए क्या होगा जब आप उस सीमा को पार कर जाओगे, अपने पोटेंशियल की 100% पॉसिबिलिटी को अचीव करोगे। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम डिसिप्लिन को मास्टर करना चाहते हो, उस आवाज को चुप करना चाहते हो जो मुश्किल आते ही कहती है हार मान लो। क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए, उससे भी आगे बढ़ने के लिए जहाँ तक तुमने कभी सोचा था? डिसिप्लिन आसान रास्ते का नाम नहीं है, बल्कि ये हर चुनौती को अपनाने और सही माइंडसेट के साथ ऊपर उठने का नाम है। अब वक्त है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का। आज इन्हीं सब बातों को 3 ऐसे स्टेप्स में जानेंगे जो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में दे देगी और लाइफ की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, हैव गोल्स। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है। गोल हमें डायरेक्शन देते हैं और डायरेक्शन हमें क्लियरिटी देते हैं। गोल सेट करना और उनको विजुअलाइज करना इतना जरूरी है कि इस पे पूरी बुक लिखी गई है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सब बातें होली बुक्स में भी लिखी गई है कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर कोई चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो तुम्हारा माइंड हर मुमकिन कोशिश करेगा उस चीज को पाने के लिए। ये चीज इतनी भी आसान नहीं है जितना तुम्हें सुनने में लग रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से चीजें लेता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस पार्ट बहुत ज्यादा वीक है। इस वीकनेस को खत्म करेंगे लेकिन सेकेंड पार्ट में। सो फर्स्ट इज हैव गोल्स, और वो गोल्स पूरी तरह से तुम्हारे होने चाहिए। गोल सेटिंग करने से पहले सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दें, जो भी काम पेंडिंग है उसको कर दें, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, अगर रूम को साफ करना है तो वो भी कर दें, सारे के सारे पेंडिंग काम खत्म करके जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन में आ जाएं और फिर बैठें एक पेन और पेपर लेकर शांत माइंड के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है गोल्स को लिखना। समझ लो कि तुम्हारे 10 गोल है तो उसको लिखो और उसमें से 5 गोल चूज करो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी बचे गोल्स पर क्रॉस लगा दो। अब 5 में से एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल चूज करो, बाकी को क्रॉस लगा दो। अब ये गोल है जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है ये अच्छे से पता होना चाहिए। उस गोल के पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मुझे ये चीज क्यों करनी है। पर एक्सरसाइज करना कोई गोल नहीं है, और है तो भी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज नेसेसरी है जो आपको करनी ही है। अगर एक्सरसाइज करके तुम वेट गेन करना चाहते हो तो वो एक गोल हो सकता है। आई होप तुम्हें फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। स्टेप 2, ट्रैक एंड कमिटमेंट। मेक हैबिट ट्रैकर ऑफ 1 month, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ज्यादा रखोगे तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे और कम रखोगे तो आपको आलस सताएगा, इसलिए हैबिट ट्रैकर आपको बहुत सिंपल रखना है। कुछ इस तरह के पुराने हैबिट ट्रैकर मुझे सही नहीं लगते क्योंकि इनमें काफी ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, इसलिए ये वाला हैबिट ट्रैकर यूज करें जो अभी हम बनाने वाले हैं। हाउ टू मेक हैबिट ट्रैकर। सबसे पहले मंथ का नाम लिखें, साइड में डेट और डे लिखें, साथ ही साथ हर दिन के सामने उस दिन का गोल लिखें और हर हफ्ते के नीचे एक लाइन लगाएं जिससे पता चले कि आपने एक हफ्ते में क्या किया है। अब तुम्हारा हैबिट ट्रैकर तैयार हो चुका है, अब तुम एक एक दिन, एक एक हफ्ते और पूरे महीने को ट्रैक कर सकते हैं। जो काम तुम करते हो उसके आगे डॉट लगाएं और जो नहीं कर पा रहे उसके आगे क्रॉस। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम सब कमिटमेंट को भूल जाते हैं। जो चीज हर रोज करनी है, हर हफ्ते करनी है, उसको एक अलग पेज पर लिखें। उसे कब करना है, कितना करना है, उसको अच्छे से लिखें। जैसे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट नोट में, जिस टाइम आप अपने गोल पर काम करें उस समय जीरो डिस्ट्रैक्शन रखें, नो फोन, नो फ्रेंड, नो डोपामिन, ओनली वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सब से दूर रहें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हर काम करिए पर अपने फ्यूचर को प्लान करते समय और गोल पर काम करते समय इन सब से दूर रहें। स्टेप 2 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपने अगले दिन के गोल को लिख कर रखें, वो भी एक रात पहले, जिससे आपको पता रहे कि आपको क्या क्या करना है। स्टेप 3, फोकस ऑन बिग अचीवमेंट नॉट ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करना, टीवी देखना या फालतू में शॉपिंग करना, क्योंकि हमें ये सब करने से इंस्टेंट खुशी मिलती है। जो हमको चाहिए अगर वो मिल रहा है तो हम ऐसा क्यों ना करें। जब आप कोई ऐसा काम करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को खराब कर सकता है तो खुद से एक सवाल पूछें, ये काम करने से मेरा कोई फायदा होगा या नहीं। यदि इसका आंसर नहीं आता है तो उस काम को छोड़ दें। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप पढ़ाई या काम करते समय सोशल मीडिया चेक करना चाहते हैं तो तुरंत खुद को रोकें और याद करें कि इस समय पढ़ाई करना जरूरी है, सोशल मीडिया बाद में भी चेक किया जा सकता है। खुद को कंट्रोल करना एक कला है जिसे टाइम और एफर्ट के साथ ग्रो किया जा सकता है। आज हमने 3 स्टेप्स जाने हैं जो हमको अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। नंबर 1, हैव गोल्स।
अपनी लाइफ में गोल होना एक सही डायरेक्शन में ले जाता है। नंबर टू, हैबिट ट्रैकर। आप अपने पूरे दिन में क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए ये सब पता होना चाहिए। नंबर थ्री, फ्यूचर प्लानिंग। अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना सबसे अच्छी बात है, पर प्रेजेंट में काम करते समय फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना और उस पर काम करना सबसे अच्छी बात है। इन सब के बाद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइफ में डिसिप्लिन और एंजॉयमेंट दोनों जरूरी है। जब तक चटपटा और मीठा दोनों नहीं होते तो खाना और लाइफ में मजा नहीं आता है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।